बात करवाते हैं सुपरस्टार से, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करते हैं सुपरस्टार की, पाकिस्तान की तमाम तरह स्क्रीनों के ऊपर सिर्फ एक ही चेहरा छाया हुआ है और हर किसी को इंतजार होता है, और खासतौर पर दिन जब होता है हफ्ते का तो आजकल काफी एक्साइटमेंट हो जाती है। हीरा मानी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मजे में। कैसा लग रहा है इस्लामाबाद आपको? इस्लामाबाद तो मेरा फेवरेट शहर है और बहुत ही प्यारा, प्यारे लोग, प्यार करने वाले। मुझे बताइएगा हीरा, आपका ड्रामा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, और हर एक ड्रामा ही ऐसा होता है, मैं खुद पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखता, जब आपका ड्रामा आता है ना, कोई भी ड्रामा मैंने आज तक मिस नहीं किया हुआ, तो बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, जब भी आपका कोई भी करेक्टर होता है उसमें एक चीज़ फीलिंग होती है, तो वो रिलेट कैसे करती हैं आप उतनी रियलिटी में लाने के लिए? नहीं, डेफिनेटली ये काम से मुझे बहुत इश्क है, अपने काम से मुझे बहुत प्यार है, तो कैरेक्टर जो भी होता है वो बस दिल से करती हूँ, तो लोग रिलेट कर लेते हैं, तो बस प्यार है, काम से प्यार है इसलिए शायद। बताइएगा कि मूवीज़ में बहुत कम देखने में आता है आपको, मूवीज़ करना पसंद नहीं है, ड्रामा पसंद है, या सीन क्या है, क्योंकि नाज़रीन वो भी जाना है? मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट ऑफर हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई अच्छा स्क्रिप्ट होगा जो मुझे पसंद आएगा, जिसमें लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस बेस्ड काम है, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। अच्छा, आपको किस किस्म की एक्टिंग करना खुद ज़ारी तौर पर पसंद है? क्योंकि जब भी देखते हैं दिल दुख रहा होता है या आंसू होते हैं, लोग भी बैठ जाते हैं, मेरे अपने घर वाले बैठ जाते हैं, यार ये बंदी रो रही है, तो वो भी ज़्यादा इस तरह से फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको खुद भी इसी तरह के ही करेक्टर्स करना पसंद है या क्या है? मुझे हर तरह की एक्टिंग पसंद है, मुझे हर तरह का कैरेक्टर पसंद है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, बस मुझे एक्टिंग करना पसंद है, तो कोई भी कैरेक्टर हो मैं बहुत दिल से करती हूँ, और हाँ रोने वाला भी होता है, कभी हंसने वाला भी किया था, तो कुछ मिक्स एंड मैच है और करती रहूँगी इंशाल्लाह। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे मुख्तसर बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इस वक्त मार्केट में, लेकिन फिर भी कोई होता है कि फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस, एक एक नाम बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो सजल अली हैं, और फेवरेट एक्टर जो है मेरे बहुत सारे हुमायूं हैं, फवाद हैं, हुमायूं। अच्छा, मुझे एक लास्ट चीज़ बताइएगा, जिस तरह से हम आपके ड्रामा आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें एक चीज़ है अच्छा लगता है बंदे को, लेकिन हमारे ड्रामों के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी का एक आंसर भी आजकल ज़्यादा आ रहा है। मैं आपके ड्रामे की बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो किस तरह से आप देखती हैं लोगों को मैसेज मिल रहा होता है, लोग अपने घरों में ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, असल में लोगों पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस तरह लेते हैं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत मैसेज होता है और वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होते, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस हरबे को इस्तेमाल करें और उन चीज़ों से दूर रहें, जो कि क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट है, अब ये चाहे नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है, इसको एंजॉय करें, इससे अच्छी चीज़ सीखें, और इससे बुरी चीज़ों से जो आप सीख रहे हैं वो ना सीखें, उससे दूर रहें, तो मैं तो ये बोलूँगी, और हमारे ड्रामे बेस्ट हैं। ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह से आप सब चीज़ें मैनेज करती हैं, बिजी स्केड्यूल, रिकॉर्डिंग, ये सारा कुछ, फिर फैमिली को टाइम देना, हस्बैंड, घर वाले सारे? ये बस बस हो रहा है, ये मैं मैनेज क्या करती हूँ, मेरे अब्बू होते हैं मेरे साथ, मेरी अम्मी होती हैं, बहुत फैमिली सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं काम कर रही होती हूँ, और हाँ बहुत ज़्यादा टफ है और मेहनत है, कर लेती हूँ, बच्चे बहुत अच्छे मेरे कोऑपरेटिव हैं, ज़्यादा तंग नहीं किया उन्होंने मुझे कभी भी, तो सबका प्यार बटोर के और सबके साथ चल के तो चीज़ें हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।